हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन नंबर की क्लास कर रहे थे और पिछले क्लासेज में हम लोगों ने नाउन नंबर से रिलेटेड 4 क्लास कर चुके हैं और आज ये हमारी 5वीं क्लास है। तो यदि आप लोग अभी तक पिछले क्लासेज को वॉच नहीं किए हैं तो पहले जाकर उस क्लास को वॉच कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने पिछले क्लासेज में कहाँ तक पढ़ा था। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी करें और उन्हें बताएं कि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी या कंप्लीट प्रिपरेशन हम कहाँ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और एक कमेंट भी साथ में ही करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग इससे पहले यूजेस हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूजेस, और यूजेस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। आज ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है। दूसरा रूल क्या है, पोइट्री। ये एक शब्द हमारा क्या है, पोइट्री। पोइट्री मतलब बोलते हैं ना कवि, कविता, जिसे बोलते हैं पोइट्री, कविता। देखिए द आर्ट ऑफ पोएट या पोएम्स इन जनरल, जनरल सेंस में इसे क्या बोलते हैं, पोएम बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं पोइट्री शब्द हमारा है क्या। ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट शब्द एग्जाम में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो पोइट्री जो शब्द होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन शब्द होता है। अनकाउंटेबल शब्द होता है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। और काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे ना गिना जा सके। तो क्या हुआ, पोएट्री हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। आगे देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। एक कविता के लिए आप पोएम लिखते हैं। यदि हमें एक एक कविता लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप पोएम। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, केवल आप लोग इसे याद रखिएगा कि ये शब्द हमारा है क्या। पोएट्री शब्द हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं यदि कोई भी शब्द जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो अपने पहले क्या नहीं लेगा, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, प्लस उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, प्लस उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। उसके बाद ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म की वर्ब यूज होगी। ये हमारा अनकाउंटेबल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, आप लोग केवल इतना लिख लीजिएगा कि पोएट्री हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाकी चीज़ें आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी सेंस में दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आगे देखते हैं।
आगे का पॉइंट हमारा है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्लेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है, प्लेस का अर्थ जगह है। प्लेस का अर्थ मतलब क्या होता है, जगह होता है, जैसे पटना, कोलकाता, बिहार, रांची आदि होता है। जबकि नाउन का अर्थ कमरा, जबकि रूम का अर्थ, सॉरी क्या लिखा है हमारे यहाँ पर, रूम लिखा है। जबकि रूम का अर्थ हमारा क्या होता है, रूम का अर्थ होता है कमरा। जबकि रूम का अर्थ हमारा क्या होता है, कमरा। तथा जगह स्पेस दोनों होता है। जबकि रूम का अर्थ कमरा और प्लस जगह दोनों सेंस में यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ये इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा, बेसिकली क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में हमारा क्या शब्द दिया रहेगा, प्लेस, और उसके स्थान पर हमें लिखना क्या रहेगा, रूम। उसके स्थान पर हमें क्या लिखना रहेगा, रूम। आइए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि है क्या बेसिकली। क्वेश्चन में देखने को शब्द कौन सा मिलेगा, प्लेस, और उसके स्थान पर हमें लिखना क्या रहेगा, रूम। ये हमारा लिखना रहेगा इसको हमें। तो रूम इसका अर्थ क्या होगा, कमरा भी होता है और इसका अर्थ स्थान भी होता है, जगह। तो इसी जगह सेंस में किसके स्थान पर आ जाएगा, प्लेस के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, रूम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या हमारा, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल, इट इज ए नाइस पीस ऑफ पोइट्री। इट इज ए नाइस पीस ऑफ पोइट्री। तो पहले हम लोग क्या बताएं, पोइट्री हमारा कौन सा शब्द होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोइट्री हमारा क्या होता है, पोइट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसे हम लोग सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। और उससे पहले देखिए, इट इज, इट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब हो गया। आ नाइस पीस, आ नाइस पीस मतलब एक पीस की बात कर रहा, ऑफ पोइट्री, यह हमारा पोइट्री का एक नाइस पीस है। तो ए आ गया, इसी स्थान पे हमारे सिंगुलर है, तो ठीक है, हमारा ऑलरेडी पहले से ही सही है। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, इट इज अ पोइट्री, इट इज अ पोइट्री। तो अभी हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था, पोइट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अभी हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था कि पोइट्री हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लस प्लस इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पोइट्री पहले जो ए शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमारा गलत था। जब यहाँ पर इट इज पोइट्री लिखेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, आप लोग नोट करते रहें साथ ही साथ में। इट इज अ नाइस पोयम, पोयम के सेंस में हमारा ये सही हो जाएगा, पोयम के सेंस में हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार, मतलब हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है इस कार में, इस कार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कहने का सेंस ये है। तो रूम बराबर हम लोग क्या बताए थे, अभी हम लोग रूल में पढ़े थे कि रूम बराबर क्या होता है, प्लेस, रूम बराबर प्लेस होता है, रूम मतलब जगह भी होता है और रूम मतलब कमरा भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेस की बात करें तो प्लेस के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, रूम, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नॉट आ रूम
फॉर अस इन द कार. देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दियर कार. इन द कार, तो यहाँ पर रूम शब्द है हमारा, रूम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग वैसे भी नहीं करेंगे, इसलिए हमारा गलत हो गया. आगे देखते हैं एग्जाम्पल. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. कोट द पोएम फ्रॉम मेमोरी. कोट द पोएम फ्रॉम मेमोरी, तो यहाँ पर पोएम का यूज कर लिए हैं, तो पोएम के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए भी हमारा सही हो गया. आइए देखते हैं यूजेस नंबर 3. ये जितने भी यूजेस हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, केवल आप लोग इसे नोट करते रहिए और साथ ही साथ में समझते रहिए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा है क्या. बेसिकली आगे हमारा है तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं. तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तीसरा यूज क्या है. क्वांटिटी अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है जबकि नंबर से संख्या की. क्वांटिटी और अमाउंट ये हमारा मात्रा में यूज किया जाता है, जैसे 2 किलो चावल हो गया या 1 लीटर दूध हो गया, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है. बट हम नंबर की बात करें तो नंबर से हम लोग संख्या की बात करते हैं, नंबर से हम लोग संख्या को डिनोट करते हैं या संख्या का बोध होता है नंबर से. तो इसी सेंस में देख लीजिए कुछ एग्जांपल क्या है हम लोगों के सामने. कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए. रंजेश पाया अ नंबर ऑफ बुक्स, मतलब किताबों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, किताबों के संख्या के बारे में बात की जा रही थी, यहाँ पर हमारा नंबर है सही है. आगे देखते हैं रंजेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर हम लोग किताब को नंबर में गिन सकते हैं ना, किताब को हम लोग गिन सकते हैं बेसिकली, इसके लिए अमाउंट का यूज नहीं करेंगे. अमाउंट का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेसिकली करते हैं. अमाउंट का यूज मात्रा में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन साथ करते हैं. बट यहाँ पर बुक हमारा क्या है, बुक हमारा है काउंटेबल नाउन, इसके साथ अमाउंट का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए हमारे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, दे हैड वे पाए अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर. अब देख लीजिए शुगर मतलब चीनी, शुगर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन साथ हम लोग अमाउंट का यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमारा सही हो जाएगा ये, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा. आगे देखते हैं, दे हैड वे पाए अ नंबर ऑफ शुगर, क्या आप लोग चीनी को गिन सकते हैं. अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि हाँ हम चीनी को गिन सकते हैं एक एक करके. बेसिकली चीनी हमारा क्या होता है, शुगर हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, शुगर क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए हम लोग नंबर का यूज नहीं करते. नंबर के यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ संख्या को दिखाता है, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर आ नंबर नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा. ये हमारा तीसरा रूल था. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. आगे देखते रहिए और पढ़ते रहिए. आगे क्या है हमारा, ध्यान दीजिए. चौथा नंबर यूजेस हमारा क्या है, चौथा यूजेस है ड्रेसेज प्रायः लड़कियां या औरतें पहनती हैं, जबकि क्लॉथेस का अर्थ गारमेंट्स सच एज ट्राउजर ड्रेसेज शर्ट टी शर्ट. बेसिकली हम समझाते हैं यहाँ पर अर्थ क्या है, ये हम लोग देखते हैं. ड्रेसेज का अर्थ नॉर्मली होता है कोई भी कपड़ा, ड्रेसेज का अर्थ हो गया नॉर्मली कोई भी कपड़ा जो लोग पहनते हैं, जबकि क्लॉथिस का अर्थ होता है गारमेंट्स मतलब शॉप. क्लॉथिस से जब हम क्लॉथिस की बात करेंगे उससे
पूरे कपड़े जाति का बोध हो जाएगा, मतलब जितने भी कपड़े गारमेंट्स के अंतर्गत आते हैं वो सब हो जाएंगे। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो कपड़े की दुकान होती है वहाँ पर लिखा रहता है गारमेंट्स, कोई भी नाम है प्लस गारमेंट्स, मतलब वहाँ पर सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। बट हम लोग ड्रेसेज की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल ड्रेस, तो स्कूल का अलग ड्रेस हो गया, या बोलते हैं पार्टी का ड्रेस, मतलब पार्टी का अलग हो गया, शादी का ड्रेस वो अलग हो गया, तो इस सेंस में ये हो जाता है। प्लस यदि हम लोग क्लॉथेस की बात कर लेंगे तो उसका सेंस मतलब गारमेंट्स से, मतलब सभी प्रकार के कपड़े उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, ध्यान दीजिए, जैसे ट्राउजर्स हो गया, ड्रेसेज हो गया, शर्ट्स हो गया, वोर्न ऑन द बॉडी हो गया, मतलब जो कपड़े पहने जाते हैं, करें मतलब ये है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके भी, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, डू यू लाइक हर न्यू ड्रेस, क्या आप उसकी नए ड्रेस को पसंद करते हैं। सही है, मान लीजिए उसका स्कूल ड्रेस है, शादी का ड्रेस दिखा रहा है तो उसे पसंद करते हैं, सही है। डू यू लाइक हर न्यू क्लॉथ्स, क्या आप उसके नए कपड़े को पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये क्लॉथेस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई कपड़े हो सकते हैं, वहाँ पर कई कपड़े हो सकते हैं, बस सेंस ये रहेगा। नेक्स्ट, डज ही लाइक हिज न्यू क्लॉथ, क्या वह उसके नए कपड़े पसंद करता है, ये भी सही है। उसके बाद हमारे ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब यहाँ चारों के चारों एग्जाम्पल हमारा सही है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करते रहिए साथ ही साथ में। नेक्स्ट पांचवा यूज हम लोग पढ़ते हैं, पांचवा यूज देखते हैं क्या है हम लोगों का, पांचवा यूज हम लोगों का क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। पांचवा क्या है, कॉज, कॉज के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है। कॉज मतलब ये भी हमारे क्या दिखाता है, कारण ही दिखाता है। कॉज के बाद हम लोग वाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कॉज के बाद वाई का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे हम लोग क्या लिख दे, कॉज वाई ऑफ, कॉज वाई ऑफ लिख दिए, तो हम लोग कॉज के साथ वाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, जबकि ऑफ का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, कॉज के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है, कॉज के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीजन के बाद वाई का प्रयोग होता है। कॉज के साथ वाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि रीजन के साथ वाई का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। रीजन वाई, कारण क्यों, कैसा कारण, इस सेंस में। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल भी इसके साथ ही साथ में, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है एग्जाम्पल हमारा, दिस इज द रीजन, का यही कारण था, क्या लिखा है, दिस इज द रीजन, यही कारण था वाई ही डज नॉट लाइक इट, वह इसे नहीं पसंद करता है, यही कारण था कि वह इसे नहीं पसंद करता है। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या आ गया, रीजन आ गया, रीजन के साथ हम लोग वाई पसंद लिख सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली लिख लिए, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का कारण क्या था, एक्सीडेंट का कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, What was the cause of accident? तो हम लोग कॉज के साथ वाई का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज वाई ही डज नॉट लाइक इट, क्या कारण क्या है जो इसे नहीं पसंद करता है, ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यूजेस देखिए, सिक्स नंबर हमारा क्या है, सिक्स नंबर यूजेस हमारा क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्लाइमेट,
क्लाइमेट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। क्लाइमेट मतलब जलवायु, जबकि वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। क्लाइमेट मतलब किसी स्थान की जलवायु, वेदर मतलब मौसम होता है नॉर्मली जो चेंज होता रहता है। आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में है क्या। ये क्लाइमेट डिनोट्स प्रदर्शित करता है द जनरल एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण होता है, कंडीशंस ऑफ ए कंट्री मतलब किसी देश के, कंट्री मतलब देश हो गया, किसी देश का जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसे कौन डिनोट करता है, क्लाइमेट बताता है उसे जलवायु के रूप में। जबकि वाइल मतलब जबकि, वेदर मौसम डिनोट्स द कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, जबकि ये कंडीशन मतलब स्थिति, जबकि ये किसी विशेष, पर्टिकुलर मतलब विशेष, जबकि ये विशेष समय को डिनोट करता है। जैसे हम लोग अभी समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु होती है, तो जलवायु लंबे समय तक रहती है, बट जो मौसम होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, जैसे गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, बरसात हो गया, इस सेंस में वेदर हमारा चेंज होता रहता है। देख लेते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है एग्जाम्पल, बेसिकली हमारा एग्जाम्पल है क्या, द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम मतलब क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची की जलवायु सूट्स हिम उसे सूट करती है, हिम मतलब उसे सूट करती है रांची की जलवायु। आगे देखते हैं, द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम, द वेदर ऑफ रांची मतलब रांची का मौसम उसे सूट करता है, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब रांची की जलवायु उसे सूट करती है, मौसम तो बदलता रहता है, मौसम तो बदलता रहता है, तो इस सेंस में ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे यूजेस यहाँ तक ख़त्म हुए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा है क्या, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से, देखिए है क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद करने के लिए, याद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, रिमेम्बर मतलब होता है याद करना, पॉइंट मतलब बिंदु, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, सम मतलब कुछ। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें बोलिए कि नाउन से रिलेटेड प्लस हम लोग कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन यहीं से कर लेंगे, कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोग यहीं से कर लेंगे, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन। और यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लस आप इस क्लास, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इवन जैसा कि मान लेते हैं हम लोग एज आ 11th हो गए, प्लस 12th हो गए, प्लस एसएससी के बच्चे भी इस क्लास को ज्वाइन कर ले, बेसिकली ये एसएससी वालों के लिए क्लास होती है, और 11-12 वाले बच्चे भी इसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों की इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।